गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेसन नंबर 20 एल्बम। पाठ का सार देखें हम। साधी राम और सदानंद, पंडित साधी राम लाला सदानंद के पुरोहित हैं। सदानंद से कर्ज। पंडित साधी राम ने लाला सदानंद से वर्षों पहले 500 रुपये लिए थे। साधी राम गरीब है पर दिल के बुरे नहीं हैं। वे लाला सदानंद का कर्ज उतारने के की जी तोड़ कोशिश करते हैं, बहुत भरसक कोशिश करते हैं। साधी राम की व्यवस्था। साधी राम अपना पेट काट काट कर सदानंद का कर्ज अदा करने के लिए रुपये जमा करते हैं, पर कभी घर से घर में किसी की बीमारी तो कभी किसी अन्य कारण से रुपए उठ जाया करते हैं, यानी किसी भी वजह से पैसे खर्च हो जाते हैं। बेचारे साधी राम मन महसूस कर रह जाते हैं, यानी मन को मार कर रह जाते हैं। नेक दिल सदानंद। लाला सदानंद एक नेक दिल इंसान है। वे साधी राम की व्यवस्था अच्छी तरह जानते हैं कि साधी राम बेचारे अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कभी साधी राम से रुपए के लिए तकादा नहीं किया, यानी तकादा यानी उगराने, बल्कि अंदर अंदर से वे चाहते हैं कि साधी राम रुपये ना लौटाए तो ज़्यादा अच्छा हो। साधी राम का दुख। साधी राम को इस बात का दुख है कि लाला सदानंद अपने रुपए के बारे में भला तकादा क्यों नहीं करते, यानी उन्होंने रुपए दिए हैं लाला ने वो पैसे क्यों नहीं मांगते। ये साधी राम को दुख है। लाला सदानंद साधी राम के घर। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित साधी राम के घर आते हैं। वे उनकी अलमारी में सुंदर चित्रों वाली पत्रिकाएं देखते हैं। इसके बाद में हम देखें एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इसके आगे का पॉइंट देखें हम। पत्रिका एल्बम की योजना। सदानंद के दिमाग में उन चित्रों से एल्बम बनाने का ख्याल आया। वे साधी राम से अच्छे चित्र छांट कर जमा करने के लिए कहते हैं। वे साधी राम को विश्वास दिलाते हैं कि इससे उन्हें कुछ कमाई हो सकती है। विद्यार्थी मित्रों, एल्बम का हमने कुछ पार्ट देखा, इसके आगे का पार्ट हम कल देखेंगे। थैंक यू।